हाय एवरीवन, मैं प्रगति फ्रॉम प्रगति प्रोग्रेस क्लासेस। आज मैं आपको फ्रैक्शन टू मिक्स फ्रैक्शन बताने वाली हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको बोल रहा है कन्वर्ट फ्रैक्शन टू मिक्स फ्रैक्शन। तो हम फ्रैक्शन है उसको मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, ये जो 5 है इसका डिनोमिनेटर, उसको हम 5 से 17 को डिवाइड कर लेंगे। ओके, तो 5 3 15 माइनस किया तो 7 में से 5 गया 2, 1 में से 1 गया 0। ठीक है, अब हमें ये ध्यान देना है कि ये जो इसका डिनोमिनेटर था वो डिनोमिनेटर नीचे ही रहेगा, है ना, और ये जो था इसका रिमाइंडर ये यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये हमेशा ध्यान देना है, और जो को ये रिमाइंडर है ऊपर जाएगा। ठीक है, कोसेंट इधर और रिमाइंडर ऊपर। ठीक है, तो ये इसका रिमाइंडर हो गया। ठीक है, ये हो गया कोसेंट, तो हमेशा ध्यान देना है रिमाइंडर ऊपर, और ये जो डिनोमिनेटर है जिससे हमने डिवाइड किया वो डिनोमिनेटर हमेशा नीचे ही रहेगा फ्रैक्शन में। ठीक है, तो इस तरह से हमारा मिक्स फ्रैक्शन बन गया। अब हम देख लेंगे कि हमारा जो मिक्स फ्रैक्शन है वो सही है कि नहीं। इसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इसको ऐड कर देंगे। ठीक है, तो 5 3 15 और प्लस 2 17, 17 बाई 5 हो गया ना, जो ये इधर अपॉन में है वही रहेगा इधर आंसर में। तो हमने देख लिया कि ये सही है ना। तो जब भी ऐसे हमारा जो हमने मिक्स फ्रैक्शन किया वो सही नहीं, तो इससे आप मल्टीप्लाई करके ऐड करके खुद चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम सेकेंड करने वाले हैं। ठीक है, ये जो फर्स्ट था इसको हमने सॉल्व कर लिया, अब 3 को हम 13, 3 से 13 को डिवाइड करेंगे, 3 4 12, तो माइनस करेंगे तो 1, 1 में से बन गया 0। ओके, तो अभी हमें आंसर क्या देना है, अभी इसका पहले हम डिनोमिनेटर 3 था वो 3 लिख लेते हैं, और इसका रिमाइंडर आया है 1, 1 ऊपर जाएगा, और जो कोसेंट है वो यहाँ लिखाएगा। ठीक है, तो अभी सेम देखिए, 4 3 12 और 1 ऐड करेंगे तो 13 बाई 3, है ना, यानी हमने सही किया है। अब हम इसका थर्ड नंबर करते हैं, 7 से 19 को डिवाइड करेंगे तो 7 2 14, 14 अब माइनस करेंगे तो 9 में से 4 गया 5, 1 में से 1 गया तो 0 आ गया। ठीक है, अब इसको हम फ्रैक्शन को, अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में करने के लिए क्या करेंगे, तो इसका आंसर है 7, 7 को हम नीचे लिखेंगे और जो हमारा रिमाइंडर है वो ऊपर जाएगा और जो कोसेंट है वो यहाँ आएगा, है ना। अब हम चेक करते हैं हमारा आंसर सही है कि नहीं। तो 7 2 14 और उसमें 5 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 19 बाई 7, यानी हमने जो किया वो करेक्ट है। आई होप आपको ये फ्रैक्शन से मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।